साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के दिल्ली कैंट थाने की पुलिस टीम ने एक डेस्परेट नोटोरियस क्रिमिनल को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसको दिल्ली आउट भी किया गया था। साउथ वेस्ट के डीसीपी देवेंद्र आर्या ने बताया कि इस बदमाश के पास से पुलिस टीम ने कंट्री मेड पिस्टल, कारतूस, चोरी की स्कूटी, मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार किया गया बदमाश अपने साथियों के साथ चोरी, लूटपाट, सेंधमारी के कई मामलों में भी शामिल रहा है और वारदात के दौरान ये अपने साथ हथियार भी रखता था। डीसीपी ने बताया कि दिल्ली कैंट थाने के एसएचओ समीर श्रीवास्तव की टीम को इस बदमाश के बारे में जानकारी मिली थी और उसी पर जब पुलिस टीम ने डिटेल इकट्ठा की तो पता चला कि शबीर, जो चाणक्यपुरी झुग्गी का रहने वाला है, वह एक घोषित बीसी भी है। यह अपने साथियों के साथ धौलाकुआ जंगल के पास आने वाला है। उसी सूचना पर पुलिस टीम ने ट्रैप लगाकर इसे हरिकृष्ण उर्फ मुर्गी और जाहिद उर्फ छोटा बाबू के साथ पकड़ा। जब ये तीनों स्कूटी में आ रहे थे तब इनको पुलिस ने रोका। पकड़े जाने के बाद इनकी तलाशी ली गई तो मौके से इनके पास एक कंट्री मेड पिस्टल और कारतूस मिला। साथ ही चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जो दिल्ली कैंट इलाके से चुराया गया था। स्कूटी चाणक्यपुरी थाने इलाके से चोरी की निकली। पूछताछ में पता चला कि ये ड्रग एडिक्ट है और गलत धंधे में पड़ने के बाद कई तरह की वारदात को अंजाम देता है। ये दिल्ली कैंट, साउथ कैंपस, आर के पुरम, जनकपुरी और इसके आसपास के इलाकों में इस तरह की वारदात अपने साथियों के साथ करता है। इसने 15 मई को धौलाकुआ जंगल में एक आदमी के साथ चाकू की नोक पर लूटपाट की थी। वहीं गिरफ्तार जाहिद उर्फ छोटा बाबू दिल्ली के एक मामले में वांटेड था। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस टीम ने साउथ कैंपस, दिल्ली कैंट, आर के पुरम आदि थाना इलाकों के 10 मामलों का खुलासा किया है। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा के साथ संजय शर्मा की ये रिपोर्ट।